हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको एक पार्टी लुक बताई थी जो कि बिगनर्स के लिए थी और बहुत ही इजी लुक था कि कोई भी बिगनर उसको आसानी से कर सकते जिन्होंने कभी मेकअप करना सीखा ही नहीं है उसमें मैंने डार्क कलर लिया हुआ था आइस के ऊपर गोल्डन कलर से उसको आईलाइनर लगाया था आज मैं उसका थोड़ा ऑपोजिट कर रही हूँ आज मैं आइस के ऊपर लाइट कलर ले रही हूँ ये वाला बहुत ही ये ब्राउन फैम्री का सबसे लाइटेस्ट कलर है तो ये मैं आँख की आँखों के ऊपर लगाने वाली हूँ और इसको हम टेस्ट देंगे कोई डार्क कलर के आई से लेकिन वो आई ब्लैक नहीं होगा आज भी हम थोड़ा सा मॉडर्न लुक ही क्रिएट करने वाले हैं कि आप इसको वाइसा वर्सा कैसे कर सकते हो डार्क आई शेडो यूज करके लाइट कलर के ब्राइट कलर के लाइनर यूज़ करके भी हम अपने आई मेकअप को मॉडर्न लुक दे सकते हैं और लाइट कलर के भी हम आई शेडो यूज़ करके और थोड़ा सा डिफरेंट डार्क कलर के आई लाइनर यूज़ करके लेकिन ब्लैक की जगह पे कोई डिफरेंट कलर का यूज़ करके भी हम अपने आईज को मॉडर्न लुक दे सकते हैं तो मैंने बहुत ही लाइट कलर यूज़ किया हुआ है पूरी आंखों के ऊपर सिंगल कलर ही आज भी यूज़ कर रही हूँ ये क्योंकि ये जो सीरीज़ है बिगनर्स के लिए है बिगनर्स को बहुत ज़्यादा टू कलर्स थ्री कलर्स ब्लेंड करने में मुश्किल होती है लेकिन सिंगल शेड यूज़ करने में बिगनर्स के लिए हमेशा ही आसानी होती है तो ये सिंगल शेड आपको आइज पे लेना है दो तीन लेयर इसकी एप्लीकेशन की ज़रूर कीजिएगा तभी ये कलर उठ के आंखों के ऊपर दिखेगा अदरवाइज बहुत लाइट शेड है अच्छे से दिखेगा नहीं हल्का सा उससे एक शेड डार्क लेकर मैं इसको थोड़ा सा इंटेंस कर रही हूँ ताकि हमें आई जो है हमारा जो कलर है थोड़ा सा उभर के आए थोड़ा सा इंटेंस लगे नहीं तो बहुत ज़्यादा लाइट लगेगा या ऐसा होगा कि वो दिख ही नहीं रहा क्योंकि जो फेयर लोग होते हैं उन पर तो आसानी से दिख जाता है लेकिन जो मीडियम स्किन होती है या डार्क स्किन होती है उन पर थोड़ा सा मुश्किल होती है किसी भी कलर को एक्सप्रेस करने के लिए तो आप अपनी चॉइस का कोई भी लाइट कलर ले सकते हो तो देखते हैं कि लाइट कलर को भी हम इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं अब मैंने इसकी क्रीज लाइन को ब्लेंड कर दिया हुआ है लाइट कलर लेके उससे मिलता जुलता मैंने शेड लिया हुआ है आपको बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट यूज़ नहीं करनी है आपको सेम कैटेगरी के लाइटर टोन और डार्कर टोंस ही हमेशा यूज करनी है जब आप सिंगल शेड यूज कर रहे हो ज्यादा कंट्रास्ट करोगे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है तो थोड़ा सा पहले जब बिगनर हो तो एक्सपेरिमेंट ना करके सिंगल शेड ही यूज करो लाइटर टोन में और डार्कर टोन में अब लास्ट वाले मेकअप जो आई मेकअप टोन था उसमें मैंने गोल्डन कलर का यूज किया था आज इस लाइट मेकअप के लिए मैं ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ आई लाइनर ताकि ये जो लाइट कलर का हमने पीची सा ब्राउनी हमने आई मेकअप किया है इसके ऊपर ब्लू कलर का आई लाइनर एकदम से प्रोमिनेंट होकर दिखे इंटेंस होके दिखे पॉप आउट होकर दिखे लास्ट टाइम हमने डार्क कलर लिया था तो उस पर ब्लू इतना विजिबल नहीं होता तो इसलिए हमने गोल्डन लिया था आज लाइट कलर है तो हम ब्लू ले रहे हैं ताकि वो विजिबल हो आप ब्लू की जगह ग्रीन भी ले सकते हो डार्क महरून भी ले सकते हो जो आपकी चॉइस हो या आपकी कॉस्ट्यूम के साथ तो मैच करें मैं ब्लू के साथ आपको करके दिखा रहा हूँ देखिये आई लाइनर लगाते ही हमारी आईज बिल्कुल ही ग्लैमराइज हो गई है लेफ्ट साइड देखो सिंपल लग रही है मेच्योर स्किन के लिए अच्छा है और एकदम से राइट साइड अगर आप देखोगे बिल्कुल ही ट्रेंड चेंज हो गया गेम चेंज हो गया पार्टी के लिए रेडी हो। ऐसा लग रहा है कि आईज हमारी पार्टी के लिए रेडी है तो ये कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हो आप अपना आई शेड और लाइनर के लिए डार्क आई शेडो लाइट आई लाइनर लाइट आई शेडो डार्क आई लाइनर ब्लैक का जमाना गया ब्लैक को थोड़ा सा अवॉइड करो डेली रूटीन में या ऑफिस में ब्लैक यूज़ करो लेकिन जब आप पार्टी के लिए रेडी हो रहे हो तो थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर हो एकदम से स्टाइलिश दिखने के लिए अलग अलग कलर्स के कलरफुल आई लाइनर यूज़ कीजिए अब हम आप फाइनल लुक तैयार कर लेंगे आईलैशेस लगाकर उसके बाद आप देख पाओगे कि फाइनल लुक कैसी होती है आई होप मैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा थोड़ा सा मैं इस आई शेड को ट्विस्ट देने के लिए हल्का सा शिमरी बनाने के लिए उस पर शिमर एप्लीकेशन कर रही हो आप चाहो तो इसे मैट लुक में भी रख सकते हो आप चाहो तो इसे ग्लॉसी या शिमरी भी बना सकते हो क्योंकि पार्टी के लिए ये लुक है और बिगनर्स के लिए तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा शिमर लगा रही हूँ आप चाहो तो लगाओ चाहो तो अवॉइड करो अब आप फाइनल बताइएगा मेरे को आई के बाद इसकी लुक कैसी लग रही है है ना ये सिंपल सोबर बट ट्रेंडी तो आप भी एज अ बिगनर इसको क्रिएट कर सकते हो और अगले वीडियो में मिलूंगी आपको एक नए ट्विस्ट और ट्रिक्स के साथ तब तक के लिए बाय बाय मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत